हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आर्ट गैलरी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज मैं आपको सिंगल कटोरी ब्लाउज की कटिंग सिखाने वाली हूँ 34 साइज की। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से प्रॉपरली समझ में आए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना पेपर या कपड़ा ले लेना है। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट कटिंग बताने वाली हूँ, बाद में आपको फिर कहीं और कपड़े को रख के बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर बिगनर है तो पहले पेपर पर ही कट कीजिएगा, मैं आपको सजेस्ट करूंगी, इसलिए मैं आपको पेपर पर ही कट करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो आपका कपड़ा होगा या अस्तर है या पेपर पे कटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे सबसे पहले आपको 2 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा बाहर की तरफ छोड़ देना है और लाइन खींचनी है। अब यहाँ पर हम अपना लेंथ लेंगे, तो यहाँ पर मैंने 14 इंची लेंथ लिया है, तैयार हमारा 13 इंची होके आएगा। यहाँ पर शोल्डर रखना है हमें 5.5 इंची, 2 इंची छोड़ते हुए हमें मार्किंग करनी है सबकी। और यहाँ पर आर्म होल भी मैं ले रही हूँ 5.5 इंची, ठीक है। तो उसके बाद में हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट हमारा आएगा 8.5 इंची, उसमें प्लस 2 इंची हम मार्जिन ऐड करेंगे तो हमारा टोटल होता है 10.5 इंची। तो 10.5 इंची पे हमने इस तरीके से मार्क कर लेना है। नीचे भी हमें 10.5 इंची ले लेना है और सीधी लाइन खींच देनी है हमें। नीचे का जो मार्किंग है वो जितना भी आपका कमर है उसमें प्लस 2 इंची करके आपको लेना है। अब यहाँ पर हम शेप देंगे, तो 1 इंची पर हमें शेप देना है और उसे इस तरीके से सर्कल कर देना है 1/2 इंची नीचे डाउन करते हुए, इससे हमारी फिटिंग अच्छी आती है। अब यहाँ पर हम अपने नेक की मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पर नेक का लेंथ आपको अपने चॉइस के अकॉर्डिंग लेना है। मैं यहाँ पर 6 इंची ले रही हूँ। यहाँ पर ब्रॉड यहाँ पर मैंने 2 इंची का लिया, आप चाहें तो 2.5 इंची भी ले सकते हैं। ऊपर से 2 इंची पर ही शेप देना है हमें, ये हमारा डीप नेक है इसलिए 2 इंची पर ही हमें शेप देना है और इस तरीके से राउंड नेक बना लेना है। अब हम यहाँ से लेंथ लेंगे, तो लेंथ लेना है हमें 12 इंची का, तो 12 इंची पे हमें इस तरीके से मार्क करते हुए सीधी लाइन खींच देनी है। अब यहाँ पर हम अपने कटोरी की मार्किंग स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ से 5.5 इंची पर एक निशान लगाना है, देखिए 5.5 इंची पे एक निशान लगाना है। अब ऊपर से अगेन हमें 5.5 इंची लेना है, 5 इंची लेना है। 5 इंची लेने के बाद में यहाँ से माप लेना है हमें 2.5 इंची। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से सर्कल बना देना है, शेप दे देना है कटोरी का। देखिए अब मैं किस तरीके से दे रही हूँ, यहाँ पर आपको शेप दे देना है इस तरीके से। ये हो गया हमारा परफेक्ट कटोरी का निशान। अब आगे के साइड से आपको 1/2 इंची यहाँ पे बढ़ा लेना है इस तरीके से, और यहाँ से 1 इंची आपको ऊपर लेना है, नहीं तो हमारी पट्टी जो आगे की है वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो ये आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग और कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से आपको 1/2 इंची से 1 इंची ऊपर ले लेना है, जितना लंबा पट्टी आपको चाहिए रहेगा उसके अकॉर्डिंग। अब यहाँ से भी हम 1 इंची नीचे करेंगे। अब इन दोनों का मिडल निकालेंगे हम इस तरीके से, यहाँ से मिडल से हम 1.5 इंची नीचे जाएंगे, 1.5 इंची नीचे पर एक मार्क करेंगे, देन इस तरीके से हम सीधी लाइन खींचेंगे। देखिए मिला देना है हमें, तो ये हमारा कटोरी जो है बनके रेडी हो गया है। और अब हम इस पर टक्स की मार्किंग करेंगे, तो टक्स का लेंथ हमें लेना है 3 इंची का, तो 3 इंची पे आपको सीधा लाइन खींचना है और इसका टक्स जो देंगे हम 1/1 इंची पे देंगे, तो दोनों साइड आपको 1/1 इंची खींच लेना है, मार्क कर लेना और सीधा लाइन खींच देना है। अब हम इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे, देखिए इस तरीके से। जब तक मैं कट कर रही हूँ फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ पर आपको अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसका टक्स आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको दो बीच में से इस तरीके से फोल्ड करना है और जो भी आपको एक्स्ट्रा दिखता है उसे कट करके निकाल देना है। देखिए इस तरीके से कॉर्नर पर से फोल्ड करते हुए मिला के जो भी एक्स्ट्रा दिखता है उसको आपको निकाल देना है। फिर यहाँ पर मैं आगे ना आपको टक्स की मार्किंग करके दिखाती हूँ। इसका लेंथ लेंगे हम 3 इंची का और यहाँ पर 1 इंची का टक्स देंगे हम, ठीक है। इस तरीके से करना है। मैं अभी इसको आपके आपको एच पार्ट के साथ रख के दिखाऊंगी।
अगर आपका एच पार्ट से आपकी कटोरी 1 इंची बड़ी आ रही है तो समझिए आपका कटोरी एकदम परफेक्ट बना हुआ है, क्योंकि जब हम राउंड में इसे अटैच करते हैं तो 1 इंची कपड़ा उसमें खिंचता है। इसके लिए आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, आपकी कटोरी कभी भी एच पार्ट से 1 इंची बड़ी आनी चाहिए। देखिए इस तरीके से। आई होप कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।